हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्रूट्स के बारे में। जो फ्रूट्स होते हैं वो आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के लिए बेहद जरूरी होते हैं, आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना, क्योंकि फ्रूट्स खाने के बहुत सारे फायदे होते हैं। इनमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं जो हमारी बॉडी की डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्रेग्नेंसी में फ्रूट्स खाने के डबल फायदे होते हैं। पहला, आपका जो फ्रूट्स होते हैं बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत कम होती है। दूसरा, ऑफ कोर्स फ्रूट्स में बहुत सारे विटामिन्स होते हैं जो आपके बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बेहद जरूरी है। बट हम में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि कुछ फ्रूट्स ऐसे भी हैं जो ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी आपको खाने को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं किया जाता है। जितनी भी हमारी एक्सपीरियंस्ड मदर है उनको मे बी पता हो, या फिर जो लोग फैमिली के साथ रहते हैं उनको एडवाइस किया जाता है कि आपको कुछ पर्टिकुलर फ्रूट्स हैं जो नहीं खाने हैं। आपका डॉक्टर कई बार आपको बताता है कि ये फ्रूट्स आपको नहीं खाने। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट कि कौन कौन से फ्रूट्स ऐसे हैं जो आपको प्रेगनेंसी में नहीं खाने, तो आप ये वीडियो जरूर देखिए। आई होप इससे आपको जरूर हेल्प मिलेगी आइडेंटिफाई करने में कि कौन से फ्रूट्स आपको खाने हैं, कौन से फ्रूट्स आपको नहीं खाने हैं। जब भी हम बात करते हैं कि नहीं खाने हैं तो हमारी साइकोलॉजी में कहीं ना कहीं आता है कि क्यों नहीं खाने, तो हम इन रीजंस पे भी बात करेंगे कि फ्रूट्स अगर नहीं खाने हैं तो क्यों नहीं खाने हैं। जो फ्रूट्स हमें खाने हैं, जो नहीं खाने हैं, उन फ्रूट्स की मैंने एक लिस्ट बनाई है। तो पहले हम बात करते हैं कुछ ऐसे फलों पर जो प्रेगनेंसी में खाने को अवॉइड किया जाता है। तो जो पहला फ्रूट है दैट इज पाइनएप्पल। ऑल्दो पाइनएप्पल बहुत ही टेस्टी फ्रूट होता है, हम में से बहुत सारे लोगों को पसंद भी होता है, बट स्टिल प्रेगनेंसी में अवॉइड करने को बोला जाता है पाइनएप्पल। क्यों अवॉइड करने को बोला जाता है? बिकॉज जो पाइनएप्पल होता है उसमें एक एंजाइम होता है जो हमारी बॉडी में प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, जिससे कि जो सर्विक्स को डायल्यूट करता है, जिससे अर्ली लेबर हो सकता है आपका, प्रीटर्म लेबर हो सकता है, प्रीमैच्योर डिलीवरी हो सकती है। पाइनएप्पल जो होता है वो कहीं ना कहीं जो हमारी बॉडी में पाइनएप्पल शार्प कॉन्ट्रेक्शंस को भी इंड्यूस करता है, जिससे कि मिसकैरेज हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। तो पाइनएप्पल को अवॉइड करने को ड्यूरिंग अ प्रेगनेंसी बोला जाता है। जो दूसरा फ्रूट है दैट इज टमरिंड, जिसे हम इमली बोलते हैं। इट इज वेरी ऑब्वियस कि प्रेगनेंसी के टाइम आपका टैंगी खाने का बहुत मन करता है, और जब भी टैंगी खाने की बात आती है जो फर्स्ट ऑप्शन हम प्रेगनेंट मदर के मन में आता है दैट इज इमली। हम इमली खाना बेहद पसंद करते हैं, बट इमली खाने के फायदे से ज्यादा आपको नुकसान देखने को मिलेंगे। फायदा तो ऑफकोर्स कोई नहीं है, बस आपको कहीं ना कहीं अगर नोजिया वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है तो वो थोड़ा सप्रेस हो जाती है, खत्म तो वो भी नहीं होती। इसके अलावा नुकसान इसके बहुत सारे हैं, बिकॉज इमली में एक्सेस में विटामिन सी होता है। अगर आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इमली खा लेते हैं ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी, तो वो आपके जो प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन रिलीज होता है आपकी प्रेगनेंसी में, उसको सप्रेस करता है, जो आपके बेबी के लिए और आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके अलावा जो इमली होती है वो भी कॉन्ट्रेक्शन इंड्यूस करती है, जिससे मिसकैरेज हो सकता है, अगेन ब्लीडिंग हो सकती है। तो इमली भी आपको खाने को बिल्कुल रिकमेंड नहीं किया जाता है। अगर आप खाते हैं तो प्लीज बंद कर दीजिए खाना। जो तीसरा फ्रूट है दैट इज डेट्स, जिन्हें हम खजूर बोलते हैं। 2 से 3 खजूर आप एक दिन में खा सकते हैं, बट इससे ज्यादा खजूर अगर आप एक दिन में खाते हैं तो उसके भी नुकसान है, इसलिए आपको खजूर भी अवॉइड करने को बोला जाता है। खजूर को बहुत लोग लेबर इंडक्शन के लिए भी खाते हैं। मैंने पर्सनली भी खजूर को अपने जब मेरा 9 महीने कम्प्लीट हो गया था तो लेबर इंडक्शन की तरह यूज किया था। जो खजूर होता है वो हमारी बॉडी को हीट अप करता है, हमारी बॉडी में कॉन्ट्रेक्शंस को प्रोड्यूस करता है, जिससे अगेन मिसकैरेज हो सकता है। तो खजूर भी आपको एडवाइस नहीं होता प्रेगनेंसी में खाना। जो अगला फ्रूट है दैट इज पपाया। पपाया ऑल्दो पपाया में बहुत सारे ऐसे विटामिन्स होते हैं जो प्रेगनेंट मदर के लिए और उसके बेबी के लिए बहुत जरूरी है, बट स्टिल पपाया भी आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं किया जाता है प्रेगनेंसी में खाने को, बिकॉज पपाया आपकी बॉडी में हीट इंक्रीज करता है। पपाया भी आपकी बॉडी में कॉन्ट्रेक्शंस को इंड्यूस करता है, जिससे पपाया से अगेन मिसकैरेज हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है आपको, कॉन्ट्रेक्शंस बहुत ज्यादा शार्प हो सकते हैं, कई बार प्रीटर्म लेबर हो सकता है। तो पपाया भी आपको रिकमेंड नहीं होता है ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी खाना। अगला जो फ्रूट है जो आपको बिल्कुल नहीं खाना है दैट इज वाटरमेलन। ऑल्दो वाटरमेलन जो होता है, अगर आप गर्मियां हैं और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो वाटरमेलन की क्रेविंग बहुत ही नेचुरल है, क्योंकि बहुत लोगों को वाटरमेलन खाना बहुत पसंद होता है। अगेन वाटरमेलन खाने का फायदा भी है प्रेगनेंसी में कि वाटरमेलन आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है, पानी की कमी नहीं होने देता बॉडी में, बट स्टिल प्रेगनेंसी में वाटरमेलन खाने से बहुत सारे नुकसान भी हैं। वाटरमेलन जो होता है वो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिलीज करता है, बिकॉज वाटरमेलन का डायुरेटिक नेचर होता है, तो कहीं ना कहीं कभी टॉक्सिन के साथ साथ जो एसेंशियल न्यूट्रिशंस है वो भी रिलीज हो जाते हैं। तो वाटरमेलन भी हमें एडवाइस नहीं होता है खाने को।
अगला जो फ्रूट है दैट इज फ्रोजन बेरीज। अगर आप बेरीज के बहुत ज्यादा शौकीन हैं तो आप फ्रेश बेरीज खाइए, फ्रिज में जमी हुई बेरीज आप मत खाइए, बिकॉज फ्रिज में जमी हुई कोई भी चीज अगर आप खाते हैं ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी तो उसके हार्मफुल इफेक्ट ही देखे गए हैं। तो आप फ्रेश फ्रूट्स खाइए, कुछ भी ऐसा मत खाइए जो फ्रिज में एक लॉन्ग टाइम से आपने प्रिजर्व करके रखा है। तो ये कुछ ऐसे फल थे जो प्रेगनेंसी में आपको रिकमेंड नहीं किया जाता है खाने को। इसके अलावा हमारे अब हम बात करते हैं ऐसे फ्रूट्स के बारे में जो प्रेगनेंसी में खाना बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। ऐसे तो जो पहला फ्रूट है दैट इज ऑरेंज, जिसे हम संतरा बोलते हैं। ऑरेंज में हाई क्वांटिटी में विटामिन सी होता है, वाटर होता है, फॉलेट होता है जो आपकी बेबी की ग्रोथ के लिए बेहद जरूरी है। वाटर आपको हाइड्रेटेड रखता है ओवरऑल ऑफ योर प्रेगनेंसी। जो फॉलेट होता है वो आपकी जो बेबी की न्यूरल ट्यूब्स हैं और जो स्पाइनल कॉर्ड की एबनॉर्मेलिटीज होती हैं उनको डिक्रीज उनके चांसेस को बहुत ज़्यादा डिक्रीज करता है, आपकी सेल डैमेज को डिक्रीज कर देता है बेबीज की। अगला जो फ्रूट है दैट इज मैंगो, आम जिसे हम बोलते हैं। अगर गर्मी है और आप प्रेग्नेंट हैं तो आम खाना आपके लिए बेहद फायदेमंद होने वाला है, बिकॉज आम जो होता है उसमें हाई क्वांटिटी में विटामिन ए और विटामिन सी होता है। सी अगर आपका बेबी विटामिन ए डेफिशिएंसी के साथ बॉर्न हुआ है तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि उसमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं बिकॉज उसकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है। तो विटामिन ए प्रॉपर लेना प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, मैंगो खाइए। अगला जो फ्रूट है दैट इज पोमीग्रेनेट, जिसे हम अनार बोलते हैं। अनार तो खाने को आपको हर कोई बोलता है जब आप प्रेग्नेंट होते हैं। अनार में हाई क्वांटिटी में आयरन होता है, कैल्शियम होता है, फोलेट होता है, पोटेशियम होता है, तो अनार खाना आपके लिए बेहद जरूरी है। जो आयरन होता है वो आपकी बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, उसके ब्रेन के लिए बहुत जरूरी होता है। अनार खाने से आप जो प्रेगनेंसी में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है दैट इज एनीमिया, खून की कमी जिसे हम बोलते हैं, उससे आप बच सकते हैं। पोटेशियम जो होता है वो अगेन बेबी की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है। कैल्शियम जो होता है वो बेबी की जो बोन्स होती है उनको स्ट्रांग करता है, तो अनार आप खा सकते हैं ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी। अगला जो फ्रूट है दैट इज ग्वावा, जिसे हम अमरूद बोलते हैं। अमरूद भी बहुत लोगों को बेहद पसंद होता है। अमरूद में विटामिन सी, विटामिन ई, फोलेट होता है, और अमरूद तो जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है इससे भी प्रेगनेंसी में बहुत रिलीफ मिलता है। अमरूद खाने में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही सूद हो जाता है, डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं रहती है, तो अमरूद आप खा सकते हैं ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी। इसके अलावा बनाना आप ले सकते हैं, बनाना जिसे हम केला बोलते हैं, तो बनाना प्रेगनेंसी में लेने से आपको विटामिन B6 मिलता है, पोटेशियम मिलता है, कैल्शियम मिलता है। ऐसा भी देखा गया कि B6 जो विटामिन होता है वो हमारे जो वॉमिटिंग और नोजिया की प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी में उसे बहुत ही सप्रेस कर देता है, तो आप बनाना लीजिए। तो अगला जो फ्रूट है दैट इज ग्रेप्स, जिसे हम अंगूर बोलते हैं। तो अंगूर में भी हाई क्वांटिटी में आपको विटामिन मिलते हैं, फोलेट होता है अंगूर में, विटामिन सी, विटामिन के होता है, पोटेशियम होता है। अगर आपका टैंगी खाने का मन है तो कई बार आप अंगूर खा लीजिए, अंगूर से आपका जो मुंह का टेस्ट है वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा, प्लस आपको विटामिन बहुत सारे मिलेंगे। वाटर होता है तो आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी कम होगी अगर आप ग्रेप्स खाते रहते हैं ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी। अगला जो फ्रूट है दैट इज पियर, जिसे हम नाशपाती बोलते हैं। नाशपाती खाना प्रेगनेंसी में बहुत ही अच्छा माना जाता है बिकॉज इसमें फोलेट होता है, पोटेशियम होता है, फाइबर होता है। फाइबर आपके कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को रिड्यूस करता है आपकी प्रेगनेंसी में। जो पोटेशियम होता है वो हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, आपके लिए भी और आपके बेबी के लिए भी, तो आप बहुत सारी नाशपाती खाइए। तो ये कुछ ऐसे फल थे जो हमें प्रेगनेंसी में खाने से जिनसे बहुत सारे फायदे होने वाले हैं, जो टेस्ट में भी बहुत अच्छे हैं। तो इन फलों को आप एंजॉय करिए अपनी प्रेगनेंसी में, अपनी डाइट में इंक्लूड करिए, जिससे आपको अमेजिंग फायदे होने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।